सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समस्याओं के समाधान खोजने वाले व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करते हैं। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है, इसी से मानव सफलता पाते हैं। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए दोस्तों, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। आज का पंचांग 24 जून 2024 दिन सोमवार, अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि रात्रि 1:23 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराशाणा नामक नक्षत्र दोपहर 3:54 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:27 से 9:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 24 जून 2024 दिन सोमवार, आज आप खुद को अधिक समर्पित अनुभव करेंगे और सारा लंबित काम निपटा लेंगे। ये सारा काम खत्म करके आपको एक तरह की संतुष्टि मिलेगी जिसे आपके अन्य करीबी भी नोट करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको घर और कार्यालय दोनों ही जगह अधिक सराहना मिलेगी। आज किसी खास काम में सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी। प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदी बिक्री के कामों में गति आएगी, तय समय पर काम पूरे हो जाएंगे। पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से करें, दूसरों से मदद सीमित मात्रा में ही प्राप्त होगी, इसीलिए अपने प्रयत्न बढ़ाकर परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें। काम से संबंधित औषध दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए फिलहाल कोई गलती ना करें तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कठिन निर्णय लेने होंगे। काम से जुड़े नए स्किल से सीखने का मौका प्राप्त होगा। आपके निर्णय के कारण पार्टनर की भावनाएं आहत ना हो इस बात का ध्यान रखें। एसिडिटी बढ़ने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आज के दिन आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। आप अपनी संतान को शिक्षा व परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगी। प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। मित्रों के साथ आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकती हैं। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। यदि आप संतान के करियर को लेकर परेशान चल रहे थे तो उसमें आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं जिसे आप पूरे अवश्य करेंगे। आप किसी बात को लेकर बेवजह लड़ाई झगड़े में ना पड़े। सावधानियां, आपके वाणी और व्यवहार से किसी को दिक्कत ना हो इस बात का ध्यान रखें। ज्यादा मेल जोल ना बढ़ें, अपने काम से मतलब रखें, धैर्य और शांति भी रखें। ईश्वर का ध्यान और आध्यात्मिक रहने से मन शांत रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ रोमांटिक संबंध रखने से व्यर्थ के तनाव और परेशानियां पैदा होगी। अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग रखने की कोशिश करें। अपने संबंध में और अपने मन में उपज रहे तनाव को कम करने के लिए अपने पार्टनर के साथ कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन करें। बिना बात की भावनाओं और तनाव से आपको संबंध में असुरक्षा महसूस होगी। बात करते हैं करियर की। आपकी आय और करियर को प्रभावित करने वाले ग्रहों के बीच का गठबंधन अब अपनी मजबूत केंद्र बिंदु पर आ रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप अपने करियर के लिए अपनी समय और ऊर्जा से कार्य करते हैं तो आपकी जमा राशि को बढ़ावा मिलेगा। आप में ऐसी ऊर्जा और क्षमता है कि आप और अधिक कार्य करके अपनी आय में सुधार ला सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आपकी सेहत आज बहुत अच्छी है और इसे अच्छी बनाए रखने के लिए आपको हर रोज सुबह हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए। आज इसकी तरह पहला कदम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप शाम तक दांत में दर्द महसूस कर सकते हैं।
अपनी अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए आपको अपने खाने का पैटर्न तुरंत ही बदलना होगा। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर पांच अमृत चढ़ाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।